हाय वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली डायमेंशनल एनालिसिस और ओपन चैनल फ्लो के टॉपिक के क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 281 है कि m1 l1 t-2 किसके डायमेंशंस हैं। तो ये डायमेंशन होती है फोर्स की जो होता है ma। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 282 में स्टेटमेंट्स गिवन है तीन, हमें करेक्ट स्टेटमेंट है उसको फाइंड करना है। स्टेटमेंट 1 में गिवन है कि डायमेंशनल होमोजेनिटी का मतलब होता है कि किसी इक्वेशन के हर एक टर्म में डायमेंशंस होती हैं, हर एक टर्म की वो सेम होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन है हमारे पास, तो कहने का मतलब है कि v की जो डायमेंशन होगी, u की जो डायमेंशन होगी और at की जो डायमेंशन होगी, इन तीनों की डायमेंशन होगी वो सेम होंगी। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो ए सही हो जाएगा। बी में बोला है कि डायमेंशनली होमोजेनियस कोई इक्वेशन है तो वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स से इंडिपेंडेंट है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स से इंडिपेंडेंट होने का मतलब है कि आप उसको चीजीय सिस्टम में भी यूज कर सकते हो, ऐसे यूनिट्स के सिस्टम में भी यूज कर सकते हो। बट कुछ इक्वेशंस होती हैं जो कि नॉन होमोजेनियस होती हैं, उनको हमने स्पेसिफिकली मेंशन किया होता है कि इस वाले इक्वेशन में जो वैल्यूज पुट करनी है वो इसी यूनिट में करनी है, अदरवाइज वो इक्वेशन यूजफुल नहीं है, वो उनको हम नहीं यूज कर सकते। बहुत ही पॉपुलर इक्वेशन है जो कि हम इसमें यूज करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में, ये मैनिंग्स इक्वेशन है। ये डायमेंशनली नॉन होमोजेनियस इक्वेशन का एग्जांपल है। इसमें हमेशा हम आर हमें मीटर में ही रखना पड़ेगा और वी आएगा वो मीटर पर सेकंड में ही आएगा। हम इसको किसी दूसरे यूनिट के सिस्टम में यूज नहीं कर सकते। इक्वेशन के साथ में ये मेंशन किया जाता है कि ये इक्वेशन है, इसमें इसी यूनिट्स में रखा जाए। तो ऑप्शन बी है वो सही स्टेटमेंट है डायमेंशनल होमोजेनियस के रिगार्डिंग। नेक्स्ट है ऑप्शन सी। यहाँ पे बोला कि कोई इक्वेशन है वो डायमेंशनली होमोजेनियस इक्वेशन है तो हर एक फंडामेंटल डायमेंशंस की पावर होगी वो दोनों साइड सेम होगी। जैसे कि एक इक्वेशन लेते हैं हम ये q इज इक्वल टू ए वी, तो इधर m रेज टू पावर 0 होगा लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी m रेज टू पावर 0 होगा। लेफ्ट हैंड साइड में l रेज टू पावर 1 होगा, सॉरी एल रेज टू पावर 3 होगा, राइट हैंड साइड में भी एल रेज टू पावर 3 होगा। इधर टी रेज टू पावर -1 होगा और राइट हैंड साइड में भी टी रेज टू पावर -1 होगा। तो हर एक फंडामेंटल डायमेंशन की पावर होगी वो दोनों साइड सेम होगी। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 283। यहाँ पे दो लिस्ट गिवन है, हमें मैच करना है। यहाँ पे एक फोर्स गिवन है और ये है कि ये फोर्स कैसे निकालते हैं, कौन सा फोर्स है। फर्स्ट है इनर्शिया फोर्स। इनर्शिया फोर्स हमें पता है m इंटू ए होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए का हो जाएगा 3, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड। सेकंड है बी विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्सेज के कारण शियर स्ट्रेसेज होते हैं, कनेक्टेड होते हैं चीजें, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए कि शियर स्ट्रेस जो है विस्कोसिटी के कारण, यहाँ पे भी हिंट मिल रहा है आपको, विस्कोसिटी मेंशन किया है इसमें। एंड सरफेस एरिया ऑफ फ्लो, तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें शियर स्ट्रेस और सरफेस एरिया ऑफ फ्लो तो हमें मिलेगा विस्कस फोर्स, तो बी का हो जाएगा 1। सी है प्रेशर फोर्स। प्रेशर फोर्स तो सी का हो जाएगा 4, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इंटेंसिटी एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड। प्रेशर फोर्स निकालना है तो प्रेशर की इंटेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सी का आ जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 2, प्रोडक्ट ऑफ इलास्टिक स्ट्रेस एंड एरिया ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड। तो 3, 1, 4, 2 ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा यहाँ पे, जो कि गिवन है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी सी में गिवन है 3, 1, 4, 2, तो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा 3, 1, 4, 2। यहाँ पे तो ऑप्शन में हिंट अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स का रेशियो क्या होता है। तो ये रेनॉल्ड्स नंबर होता है, जिसे हम लेमिनार फ्लो या टर्बुलेंट फ्लो ये भी पता करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये रेनॉल्ड्स नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 285। 285 में भी लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। ऑप्शन ए में गिवन है कि इनर्शिया फोर्स और ग्रेविटी फोर्स के स्क्वायर रूट जो होता है उसको क्या बोलते हैं। तो ग्रेविटी फोर्स आता है फ्रॉड नंबर में, ए का हो जाएगा 4। बी में है स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स एंड प्रेशर फोर्स, तो प्रेशर फोर्स आता है आइलर्स नंबर में तो बी का हो जाएगा 1। सी में है कि इनर्शिया फोर्स और सरफेस टेंशन आता है वेबर नंबर में तो सी का हो जाएगा 2। और डी में है इनर्शिया फोर्स और इलास्टिक फोर्स का स्क्वायर रूट तो इलास्टिक फोर्सेज आते हैं मैक नंबर में तो डी का हो जाएगा वो 3 हो जाएगा तो 4, 1, 2, 3 जो कि गिवन है ऑप्शन बी में। ये यहाँ पे मैच कर रहे हैं ऑप्शंस बी में तो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 286। नेक्स्ट क्वेश्चन है 286। यहाँ पे पूछा है कि ओपन चैनल फ्लो के केस में अगर अनस्टेडी फ्लो है तो क्या इक्वेशंस बनेंगी। ओपन चैनल फ्लो के केस में अनस्टेडी फ्लो होता है तो Q y डेप्थ ऑफ फ्लो और वेलोसिटी तीनों ही चेंज होते हैं टाइम के साथ में तो डेल क्यू बाई डेल टी भी नॉट इक्वल टू 0 होगा क्योंकि Q वेरिएबल है कॉन्स्टेंट नहीं है। डेल वाई बाई डेल टी भी नॉट इक्वल टू 0 होगा क्योंकि डेप्थ ऑफ फ्लो भी वेरी कर रही है और डेल वी बाई डेल टी भी नॉट इक्वल टू 0 होगा क्योंकि वी भी वेरिएबल है। तो इसमें यहाँ पे ऑप्शंस को चेक करें तो ये अवेलेबल है ऑप्शन डी में कि तीनों ही 0 नहीं है तो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। तीनों ही वेरिएबल है यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 287। 287 में पूछा है कि अगर स्टेडी फ्लो हो रहा है ओपन चैनल में तो कौन सा जो है वो चेंज नहीं होगा। स्टडी फ्लो में डेप्थ ऑफ फ्लो भी सेम रहेगा रेट ऑफ फ्लो क्यू भी सेम रहेगा और वी भी सेम रहेगा तो ये कंडीशन होती है स्टडी फ्लो की तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ऑल ऑफ द अबव विल नॉट चेंज। अनस्टेडी है तो तीनों चेंज होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 288 कि ओपन चैनल फ्लो में फ्लो को सबक्रिटिकल कब बोलेंगे। फ्लो को सबक्रिटिकल बोला जाता है ओपन चैनल फ्लो में जब एफआर लेस देन 1 है और वाई है वो वाई सी से ज्यादा है उस केस में सबक्रिटिकल बोलते हैं। एफ आर है वो लेस देन 1 होना चाहिए तो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर ग्रेटर देन 1 है तो सुपर क्रिटिकल बोलते हैं। 89 में बोला कि क्रिटिकल कब बोला जाता है। क्रिटिकल के लिए एफ आर है वो 1 है और वाई है वो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो के इक्वल है तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इक्वल टू 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन 290। क्वेश्चन 289 में एक ओपन चैनल है जिसके डायमेंशंस गिवन है इसके लिए आर कैलकुलेट करना है वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है और रेट ऑफ फ्लो कैलकुलेट करना है। आर होता है ए बाई पी। रनिंग फुल का केस है तो एरिया में पूरा एरिया लेंगे 6 × 3 पेरीमीटर हो जाएगा 3, 3 और 6 तो 6 + 3 × 2 18 / 12 1.5 आ जाएगा तो ए करेक्ट स्टेटमेंट है। बी में पूछा है वेलोसिटी। चेजीज कांस्टेंट गिवन है तो चेजीज इक्वेशन यूज करेंगे जो होता है v = c आर एस का रूट। आर यहाँ पे है 1.5 सी है 54.8 इंटू 3/2 आर 1.5 जो है एस की वैल्यू गिवन है 1/2000 इसका रूट। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1.5। ये आ गया वेलोसिटी। ऑप्शन बी भी सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी में पूछा है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज के लिए एरिया इंटू वेलोसिटी कर देंगे। वेलोसिटी हमने कैलकुलेट किया आई 1.5 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया से जो है 18 मीटर स्क्वायर ये करेंगे तो आंसर आ जाएगा 27 तो सी भी करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेटिव है। नेक्स्ट है 291 कि मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर चैनल के लिए विड्थ कितनी होनी चाहिए। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं रेक्टेंगुलर चैनल की जो विड्थ होती है वो b/2 होती है तो ये हो जाएगी हाफ विड्थ होगी twice the depth of flow will be equal to width तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 291 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन 292। 192 में पूछा है कि कोई मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर चैनल है उसके लिए हार्डलिक मीन डेप्थ क्या होगा। हार्डलिक मीन डेप्थ हार्डलिक रेडियस भी होता है जो होता है ए अपॉन पी, ए होगा बी इंटू डी, पेरीमीटर होगा बी प्लस 2d। मोस्ट इकोनॉमिक रेक्टेंगुलर चैनल के लिए कंडीशन है b इज इक्वल टू 2d, तो b की जगह हम यहाँ पे 2d रख देंगे तो आ जाएगा 2d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2d, तो ये आ जाएगा d बाई 2। तो इसका आंसर हो जाएगा हाफ द डेप्थ ऑफ फ्लो, ऑप्शन बी। और ये सेम कंडीशन होती है ट्रेपेजोइडल चैनल के लिए, उसमें भी r होता है वो d का हाफ होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 293। कोई मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजोइडल ओपन चैनल है, उस केस में टॉप विड्थ का हाफ किसके इक्वल होना चाहिए? तो ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। टॉप विड्थ का हाफ इक्वल होना चाहिए स्लोपिंग साइड के, जैसे कि इस तरीके से ट्रेपेजोइडल सेक्शन है तो ये जो टॉप विड्थ होती है ये इक्वल होती है दोनों स्लोपिंग साइड के सम के इक्वल, या कह सकते हैं हाफ ऑफ टॉप विड्थ विल बी इक्वल टू स्लोपिंग साइड। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 294। ये मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजोइडल ओपन चैनल सेक्शन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है। यहाँ पे स्टेटमेंट ए में बोला है कि टॉप विड्थ का हाफ होगा वो स्लोपिंग साइड के, वन ऑफ द स्लोपिंग साइड्स के इक्वल होगा, तो दोनों स्लोपिंग साइड्स का जो सम होता है वो टॉप विड्थ के इक्वल होता है। तो ए स्टेटमेंट भी सही है, टॉप विड्थ का हाफ होगा वो वन स्लोपिंग साइड के इक्वल होगा। स्टेटमेंट बी में बोला है कि हार्डलिक मीन डेप्थ जो है, जिसको हार्डलिक रेडियस भी बोलते हैं, वो डी बाई 2 होती है। तो ये स्टेटमेंट दोनों रेक्टेंगुलर ट्रेपेजोइडल दोनों टाइप के सेक्शंस के लिए एप्लीकेबल है कि आर है वो डी बाई 2 होगा अगर मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन है तो ऑप्शन बी भी सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी में बोला है कि टॉप विड्थ का डायमीटर का अगर हम सेमी सर्किल प्लॉट करें तो वो तीनों साइड्स को टच करेगा, चैनल की तीनों साइड्स को टच करेगा। ये एक डायग्राम है मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन का। इसमें अगर टॉप विड्थ के सेंटर से हम दो परपेंडिकुलर डालें, एक ये परपेंडिकुलर हमने डाली और दूसरी परपेंडिकुलर यहाँ पे इस तरीके से आएगी, तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये तीनों पॉइंट एक हाफ सर्किल पे आएंगे। अगर सर्किल को प्लॉट करें जिसका सेंटर है वो ओ है और उसकी रेडियस है वो डी के इक्वल है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा और ये भी 90 डिग्री का एंगल है। इट मीन्स ये तीनों रेडियस हैं और ये साइड्स जो हैं ये इसके टेंजेंशियली हैं। क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट गिवन है उसने बोला है कि टॉप विड्थ के डायमीटर का अगर सर्किल प्लॉट करें तो वो तीनों साइड्स को टच करेगा। तो यहाँ पे हम एक ही ऐसा सर्किल प्लॉट कर सकते हैं जो कि तीनों साइड्स का टच करे, जो कि हमने ये डॉटेड वाला शो किया हुआ है, ये वाला सेमी सर्किल प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन इसके जो डाया है वो टॉप विड्थ के इक्वल नहीं होगा क्योंकि इसका डाया है ये यहाँ तक, जबकि टॉप विड्थ है यहाँ तक, तो टॉप विड्थ है वो इसके डाया से ज्यादा है। तो क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट गिवन है सी वाला वो स्टेटमेंट सही नहीं है क्योंकि इस हाफ सर्किल बन रहा है, तीनों साइड्स को टच करते हुए एक हाफ सर्किल हम बना सकते हैं, बट उसका डाया होगा वो डेप्थ का ट्वाइस होगा, टॉप विड्थ के इक्वल नहीं होगा वो, क्योंकि ये देख रहे हैं ये वाली डिस्टेंस एक्स्ट्रा है यहाँ पे और इधर ये वाली डिस्टेंस है वो एक्स्ट्रा है टॉप विड्थ में सर्किल के डाया से। तो स्टेटमेंट सी है वो रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। स्टेटमेंट सी है ये गलत है, यहाँ पे ए और बी है वो सही है। आंसर की में आंसर ऑप्शन डी गिवन है जो कि आपने देखा अभी कि नहीं होगा। ये स्टेटमेंट ट्रू होता है अगर ये बोला जाता कि जो सर्किल बनाएंगे उसका सेंटर टॉप विड्थ का मिड पॉइंट या सेंटर होगा और उसकी रेडियस होगी और डेप्थ ऑफ फ्लो के इक्वल होगी, ना कि टॉप विड्थ के हाफ के इक्वल। नेक्स्ट है क्वेश्चन 295। मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजोइडल सेक्शन के लिए साइड स्लोप होगा वो कितना होगा? ये हॉरिजॉन्टल से एंगल होता है 60 डिग्री होता है मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन का, और इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो। पहले से एक क्वेश्चन भी आया है कि मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजोइडल सेक्शन होता है वो हाफ हेक्सागन होता है और हेक्सागन के इंटीरियर एंगल्स होते हैं 120 डिग्री होंगे, तो ये एंगल 120 डिग्री होगा, तो बचा हुआ एंगल होगा इधर का वो 60 डिग्री होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ पे इस फॉर्म में भी पूछ सकता है कि जेड क्या होगा, तो जेड होता है इसके लिए ये 1/√3 होता है। ये आप निकाल भी सकते हो ट्रिग्नोमेट्री लगा के, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 296। नेक्स्ट क्वेश्चन है 296। यहाँ पे स्टेटमेंट्स गिवन है कुछ सर्कुलर सेक्शन के रिगार्डिंग। सर्कुलर सेक्शन में तो डिफरेंट कंडीशंस के लिए हम मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन कैलकुलेट करते हैं। एक होता है मैक्सिमम डिस्चार्ज की कंडीशन, दूसरी होती है मैक्सिमम वेलोसिटी की कंडीशन। फर्स्ट स्टेटमेंट में गिवन है कि मैक्सिमम वेलोसिटी की कंडीशन के लिए डेप्थ ऑफ फ्लो होगा वो 0.81 टाइम्स ऑफ डायमीटर होगा, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए डेप्थ ऑफ फ्लो होता है वो 0.81 डायमीटर होता है, और मैक्सिमम डिस्चार्ज की कंडीशन के लिए, ये मैक्सिमम वेलोसिटी की कंडीशन के लिए है, मैक्सिमम डिस्चार्ज की कंडीशन के लिए होता है 0.95 टाइम्स ऑफ डायमीटर। तो ऑप्शन ए और सी बिल्कुल सही है। बी के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, थीटा की वैल्यू हमें याद रखनी होगी। थीटा इसके लिए होता है 308 डिग्री और सर्कुलर सेक्शन के लिए होता है 257 डिग्री। यहाँ पे इसने पूछा है मैक्सिमम वेलोसिटी वाली कंडीशन के लिए हार्डलिक मीन डेप्थ, तो आर को हम कैलकुलेट करेंगे। जो फॉर्मूला होता है ये होता है आर थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन थीटा। आर की यहाँ पे आर की फॉर्म में निकाल लेंगे हार्डलिक रेडियस। थीटा की वैल्यू यहाँ पे है जो कि गिवन है 257 डिग्री होती है मैक्सिमम वेलोसिटी की कंडीशन के लिए, तो थीटा की जगह 257 रखेंगे, और ये हमें रेडियन में रखना पड़ेगा। तो ये आएगा 2π/360 इंटू 257 माइनस साइन 257 डिवाइडेड बाई 2π/360 इंटू 257, और इसको सोल्व करेंगे तो आएगा हार्डलिक रेडियस इज 0.3 टाइम्स डायमीटर ऑफ द सर्कल। और ये कंडीशन सेम रहती है, अगर आप सेक्शन में मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए कैलकुलेट करोगे तो भी इतना ही आएगा, और मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए अगर कैलकुलेट करोगे तो भी इतना ही आएगा, बट एग्जाम में कैलकुलेट नहीं कर पाओगे आप कैलकुलेटर के बिना। तो ये दो कंडीशन तो याद रख ही लो, ये तो हमेशा याद होनी चाहिए, और ये भी चाहो तो याद कर सकते हो। एक ही कंडीशन याद करनी है, दोनों के लिए सेम ही होगी। तो यहाँ पे आंसर होगा वो स्टेटमेंट डी हो जाएगा। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 297। यहाँ पे पूछा है कि क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो के लिए किसी ओपन चैनल में स्पेसिफिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी, मैक्सिमम होगी, मिनिमम होगी, कैसे होगी। तो इसके लिए हमें ग्राफ प्लॉट कर लें इसको समझने के लिए। यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पे स्पेसिफिक एनर्जी को प्लॉट किया है, वाई एक्सिस पे डेप्थ ऑफ फ्लो को प्लॉट किया है। तो कोई भी स्पेसिफिक एनर्जी अगर मैं कंसीडर करूं, जैसे मैंने स्पेसिफिक एनर्जी कंसीडर करी, तो इस पे दो डेप्थ ऑफ फ्लो पॉसिबल है। एक तो ये वाला डेप्थ ऑफ फ्लो, और ये ग्राफ में ऊपर जहाँ पे ये कट कर रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये डेप्थ ऑफ फ्लो। इस तरीके से स्पेसिफिक एनर्जी में दो डेप्थ ऑफ फ्लो पॉसिबल है। एक ये सुपर क्रिटिकल की फ्लो की डेप्थ ऑफ फ्लो है, और ये सब क्रिटिकल के लिए डेप्थ ऑफ फ्लो है। लेकिन अगर मैं ई को डिक्रीज करते जाऊं, अभी भी 2 पॉइंट मिल रहे हैं, लेकिन अगर ई को मैंने यहाँ पे इतना डिक्रीज कर दिया, इसके इक्वल कर दिया, इसको मैं ई सी से डिनोट कर रही हूँ। अगर स्पेसिफिक एनर्जी है ये इतनी ही है जो ई सी है, तो इस केस में मुझे एक ही डेप्थ ऑफ फ्लो मिलेगा, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है, ये ग्राफ को एक ही जगह कट कर रही है। ये वाली एनर्जी होती है, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक एनर्जी होगी, ये मिनिमम होगी, और इस टाइप के डेप्थ ऑफ फ्लो को हम बोलेंगे क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो। यहाँ पे ये जो डेप्थ ऑफ फ्लो आएगी इसको हम वाई सी से डिनोट करते हैं, और बोला जाता है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो। और हम डायग्राम में देख रहे हैं आप कि ये आई है मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी के केस में, इसी यहाँ पे है वो मिनिमम है, बाकी सारी केसेस के लिए इसी ई है वो इसी से ज्यादा है, और इसी मिनिमम वो एनर्जी है जिसके लिए फ्लो पॉसिबल है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ही डेप्थ ऑफ फ्लो आ रहा है जिसको हम क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो बोलते हैं। तो क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा है कि इसी कितना होगा, तो इसी मिनिमम होगा क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 298। यहाँ पे पूछा है कि मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी कितनी होगी अगर hc है वो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो है तो 298 और 299 रिलेटेड है तो हम साथ में डिस्कस कर लेते हैं दोनों को। फ्रॉड नंबर जो होता है उसकी ये इक्वेशन होती है v/√gy। क्रिटिकल फ्लो के लिए 1 होता है। अब अगर मैं क्रिटिकल फ्लो के केस में वेलोसिटी को vc से डिनोट करूं और डेप्थ ऑफ फ्लो को yc से डिनोट करूं तो ये इक्वेशन आ गई दिस इज इक्वल टू 1, या कह सकते हैं vc² / gyc इज इक्वल टू 1। और ई जो होता है स्पेसिफिक एनर्जी ये होता है y + v² / 2g। मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी की बात हो रही है, मतलब क्रिटिकल फ्लो की बात हो रही है, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो के केस में जो स्पेसिफिक एनर्जी होगी वो होगी yc + vc² / 2g। और यहाँ से एक्सप्रेशन मुझे मिल रहा है कि vc² / g की वैल्यू है वो yc है, तो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देंगे vc² / 2g की, तो इस इक्वेशन में यहाँ पे आ जाएगा yc + yc/2, तो e इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2yc। yc यहाँ पे क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो है, क्वेश्चन में इसको hc से डिनोट किया है, तो 3/2hc हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 299 में बोला है कि अगर hc क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो है, vc क्रिटिकल वेलोसिटी है, तो क्या कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू होगा। अभी हमने ये इक्वेशन लिखी, ये फ्रॉड नंबर की इक्वेशन है और ये इक्वल होगी 1 के क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो के केस में, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो करेक्ट होगा वो स्टेटमेंट बी होगा vc = √g hc, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसी एक्सप्रेशन से आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 300 है कि क्रिटिकल फ्लो के लिए फ्रॉड नंबर होगा वो कितना होगा, तो क्रिटिकल फ्लो के लिए फ्रॉड नंबर की वैल्यू 1 होती है, सुपर क्रिटिकल के लिए FR > 1 होता है और सब क्रिटिकल के केस में FR होता है वो <1 होता है। तो इस लेक्चर वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।